नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। अब से कोई 2100 साल पहले रोम के सम्राट जूलियस सीजर की हत्या हुई थी, जिसकी साजिश रची थी जूलियस सीजर के ही विश्वासपात्र जनरल डेसिमस ब्रूटस ने। शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में लिखा है कि जूलियस सीजर को मरते समय भी यकीन नहीं हुआ कि ब्रूटस उसके साथ विश्वासघात कर सकता है। मरने से ठीक पहले जूलियस सीजर ने कहा था, यू टू ब्रूटस, यानी तुम भी ब्रूटस। बीते 425 साल से जब कोई अपना किसी को धोखा देता है तो मुंह से यही निकलता है कि तुम भी। इस वक्त रूस में यही बात शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कास्परोव के लिए कही जा रही है। 4 साल पहले ऐसा ही यूक्रेन की एक महिला फाइटर के लिए कहा गया और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के एक मंत्री के बेटे के लिए भी। आखिर क्यों किसी देश के लोगों ने जिसे कभी अपना हीरो माना उसी को उस देश की सरकार ने देशद्रोही घोषित कर दिया? वो वाकई देशद्रोही थे या फिर सत्ता से टकराने की वजह से उन पर देशद्रोही होने का कलंक लगा? कुछ ऐसे ही हाई प्रोफाइल किरदारों की सनसनीखेज कहानियों पर है हमारी ये टेली सीरीज गद्दार, द फॉलन हीरोज, जिसके पहले एपिसोड में देखिए ग्रैंड मास्टर द कवर्ट आयर। नौ नवंबर 1985, मॉस्को, रूस। शतरंज की बिसात पर सोवियत संघ के दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच बादशाहत की बाजी चल रही थी। एक तरफ थे 1975 से लगातार वर्ल्ड चैंपियन अनातोली कारपोव, जिन्हें 22 साल के नौजवान रूसी ग्रैंड मास्टर की शातिर चालों से निपटना था। कांटे की टक्कर में अनातोली कारपोव ये बाजी हार गए। दुनिया और सोवियत रूस को शतरंज का नया बादशाह, नया सितारा मिल चुका था, जिसका नाम था गैरी कास्परोव। 1985 के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। 1990 में सोवियत संघ खत्म हो गया, रूस का रुतबा खत्म हो गया, लेकिन विश्व शतरंज की बादशाहत रूस के गैरी कास्परोव के पास ही रही। उन्नीस से साल 2000 तक कास्परोव शतरंज के विश्व विजेता बने रहे। दुनिया में रूस का सबसे चर्चित चेहरा और रूस के हीरो, इसी पहचान के साथ कास्परोव ने शतरंज की दुनिया को अलविदा कहा। दस मार्च 2005, लिनारेस, स्पेन। शतरंज से संन्यास लेने के 19 साल बाद 6 मार्च 2024, मॉस्को, रूस। जिस गैरी कास्परोव को रूस के लोग कभी अपना हीरो मानते थे, उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गद्दार घोषित कर दिया। कास्परोव का नाम रूस के मोस्ट वांटेड आतंकियों और चरमपंथियों के लिस्ट में आ गया। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता को आतंकवादी घोषित करने की वजह क्या है, इसका खुलासा रूस की सरकार ने नहीं किया। शायद बताने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि रूस में सबको मालूम है कि गैरी कास्परोव को राष्ट्रपति पुतिन अपना और रूस का दुश्मन मानते हैं। उनकी दुश्मनी की ये कहानी गैरी कास्परोव के शतरंज की दुनिया से संन्यास लेने के बाद शुरू होती है। 14 अप्रैल 2007, मॉस्को, रूस। जिन गैरी कास्परोव को रूस के लोग सिर माथे पर बिठाए रहते थे, उन्हीं कास्परोव को मॉस्को पुलिस ने टांग कर अपनी वैन में ठूस दिया। कास्परोव उस वक्त रूस में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे और राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती माने जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद गैरी कास्परोव और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने पुतिन के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोला, तो नवंबर 2007 में एक बार फिर पुलिस ने कास्परोव को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बिना इजाजत जुलूस निकालने का आरोप लगा और 5 दिन जेल की सजा सुना दी गई। इतनी मेहनत करने के बाद भी
गैरी कास्परोव राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाए। दरअसल रूस के कानून के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के लिए एक हॉल का इंतजाम करना पड़ता है। कास्परोव का आरोप था कि पुतिन के दबाव में मॉस्को के किसी भी आदमी ने उन्हें किराए पर जगह देने से मना कर दिया। मजबूरी में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होना पड़ा। पुतिन और गैरी कास्परोव की जंग यहां थमी नहीं बल्कि और गंभीर हो गई। साल 2010 में कास्परोव मॉस्को के एक कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी उन पर अजीबोगरीब ढंग से हमला हुआ। फरवरी 2012 में रूस के संसदीय चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों लोग सड़कों पर थे। इस आंदोलन की अगुवाई जो लोग कर रहे थे उनमें सबसे बड़ा नाम गैरी कास्परोव और एलेक्सी नवेलनी का ही था। अगस्त 2012 में कास्परोव एक बार फिर पुतिन के खिलाफ सड़क पर उतरे। मॉस्को की एक कोर्ट के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कास्परोव का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा भी था। पुतिन और कास्परोव की दुश्मनी की कहानी का अगला हिस्सा इसके बाद शुरू हुआ। March 21, 2014 क्रीमिया, रूस, पूर्व यूक्रेन। यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो चुका था। राष्ट्रपति पुतिन का आरोप था कि उन्हें नेटो के विस्तार से चिंता है, इसलिए वो रूस की सुरक्षा के लिए क्रीमिया पर कब्जा करके नेटो और रूस के बीच एक बफर जोन बना रहे हैं। गैरी कास्परोव ने इसे पुतिन का सबसे बड़ा झूठ करार दिया। उन्होंने पुतिन को इस्लामिक स्टेट से भी ज्यादा खतरनाक बताया। शतरंज के मोहरों से खेलने में माहिर कास्परोव का यह बयान सियासी बिसात पर उनकी सबसे बड़ी मात की वजह बन गया। उनके इसी बयान के बाद रूस में उनकी छवि खराब होनी शुरू हुई। कास्परोव को रूस का खलनायक मान लिया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कास्परोव ने पुतिन के खिलाफ जमकर आग उगली। उन्होंने फरवरी 2022 से ही भविष्यवाणी शुरू कर दी कि रूस ये जंग कभी नहीं जीत पाएगा। इसी के बाद मई 2022 में राष्ट्रपति पुतिन ने कास्परोव को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया। रूस का आरोप था कि कास्परोव को यूक्रेन ने पैसों से खरीद लिया है और वो दुनिया में रूस को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे हैं। कास्परोव को आतंकी घोषित करके पुतिन अब ये साबित करना चाहते हैं कि रूस ने जिसे हीरो माना था वो अब पुतिन का विरोध करते करते रूस के साथ ही गद्दारी कर चुका है। अब सवाल ये है कि आतंकी घोषित हो चुके कास्परोव का क्या होगा। इसका जवाब कास्परोव खुद जून 2013 में ही दे चुके हैं। कास्परोव तब रूस छोड़कर जिनेवा जा चुके थे। उनके समर्थक उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें कास्परोव ने एक ऑडियो मैसेज भेजा। इस संदेश में कास्परोव ने कहा था कि वो अब कभी रूस नहीं लौटेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि रूस में उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गैरी कास्परोव को रूस ने यूक्रेन का एजेंट और आतंकी घोषित कर दिया है, तो वहीं यूक्रेन में भी ऐसी ही एक किरदार है, यूक्रेनी सेना की पहली महिला फाइटर पायलट, जिसने 10 साल पहले रूस की नाक में दम कर दिया था। यूक्रेन की सरकार ने उसे हीरो ऑफ यूक्रेन बताया। रूस की जेल में रहते हुए उसके लिए यूक्रेनी संसद के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन यूक्रेन लौटने के 2 साल बाद ही यूक्रेन की संसद ने उस महिला को रूस का एजेंट घोषित कर दिया। रूस में किलर इन स्कर्ट के नाम से चर्चित यूक्रेन की उसी महिला की कहानी देखिए, बुलेट रानी द स्वीट सेडिशन। March 22, 2018 कीव, यूक्रेन।
यूक्रेन की राजनीति में उस दिन एक नया तूफान दस्तक दे चुका था। एक हफ्ता पहले ही यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने सबूतों के साथ संसद को बताया था। विपक्षी पार्टी ऑल यूक्रेनियन यूनियन फादरलैंड की सांसद नादिया सावचेंको सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश में शामिल हैं। नादिया पर आरोप था कि तख्ता पलट करने के लिए उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में रूस समर्थक अलगाववादियों से हाथ मिला लिए हैं। डोनेस्क से ही बम और हथियारों की सप्लाई की जा रही है। नादिया ने इन आरोपों को झूठा बताया, लेकिन ये कबूल किया कि वो कुछ एजेंट्स के संपर्क में थी ताकि यूक्रेन सरकार को जनता के सामने बेनकाब करने के लिए सबूत जुटा सके। यूक्रेन की संसद में साजिश, बवाल और हंगामा कोई नई बात नहीं थी। साल 2014 से ही यूक्रेन के लोग ऐसे कई तमाशे देख चुके थे, लेकिन नादिया सावचेंको पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप सनसनीखेज था। यूक्रेन की सरकार ने जिस नादिया सावचेंको को गद्दार बताकर जेल भेजा था, उनकी असली कहानी शुरू होती है साल 2014 में। 17 जून 2014, लुहांस्क, पूर्वी यूक्रेन, समय सुबह 10:45। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क में रूस समर्थित अलगाववादियों ने जंग छेड़ रखी थी। इस जंग में लड़ने के लिए यूक्रेन की सेना के वॉलंटियर्स मोर्चे पर थे। उन्हीं में एक नाम नादिया सावचेंको का भी था, जिन्हें रूसी सेना ने उस दिन गिरफ्तार कर लिया। नादिया पर रूस के दो पत्रकारों की हत्या का आरोप था। नादिया सावचेंको यूक्रेन की कोई मामूली सैनिक नहीं थी, वो यूक्रेन की पहली महिला पायलट थी जो MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर और Sukhoi-24 बॉम्बर्स उड़ाने में माहिर थी। रूस में बंदी बनाए जाने के बाद भी नादिया के तेवर नहीं बदले। मॉस्को की कोर्ट में जब भी नादिया की पेशी हुई, वो रूस के खिलाफ दहाड़ती रही। नादिया की रिहाई के लिए यूक्रेन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक में मुहिम छेड़ दी गई। रूस के खिलाफ यूक्रेन के प्रतिरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी थी नादिया सावचेंको। नादिया की दिलेरी को सलाम करते हुए मार्च 2015 में उन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन मेडल से सम्मानित किया गया, जो यूक्रेन की सेना का सबसे बड़ा सम्मान है। नादिया ने रूस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। रूस में अपने खिलाफ ट्रायल के दौरान नादिया ने ऐलान कर दिया कि वो अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगी, क्योंकि वो रूस की इस कोर्ट को नहीं मानती। 21 मार्च 2016 को नादिया सावचेंको को रूस की अदालत ने दो पत्रकारों की हत्या का दोषी करार दिया। रूसी मीडिया उन्हें किलर इन स्कर्ट और शैतान की बेटी बताता रहा, लेकिन यूक्रेन और दुनिया की नजरों में वो यूक्रेन की शेरनी बन चुकी थी। May 25, 2016, मॉस्को, रूस। नादिया को आखिरकार रूस की कैद से रिहाई मिल गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नादिया की सजा माफ कर दी और यूक्रेन में बंदी दो रूसी सैनिकों के बदले नादिया को रिहा कर दिया गया। कीव पहुंचने पर नादिया सावचेंको को गोल्डन स्टार मेडल और हीरो ऑफ यूक्रेन की उपाधि दे दी गई। 31 मई 2016, कीव, यूक्रेन। यूक्रेन पहुंचने के बाद नादिया सावचेंको की एंट्री सीधे संसद में हुई। वो रूस की जेल में रहते हुए ही यूक्रेन की सांसद चुनी जा चुकी थी। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि साल 2016 में हुए एक सर्वे में यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए 15% लोगों की पसंद बन चुकी थी। यूक्रेन में नादिया की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। सांसद की हैसियत से उन्होंने रूस की जेलों में बंद यूक्रेनी नागरिकों की रिहाई के लिए मुहिम छेड़ दी।
वो यूक्रेन की राजनीति का उभरता सितारा मान ली गई थी, लेकिन दो साल के भीतर ही नादिया के सितारे गर्दिश में आ गए। तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगने के बाद नादिया साफचेंको यूक्रेन के लोगों की नजर में गद्दार बन चुकी थी। करीब 13 महीने बाद नादिया जेल से रिहा हुई, क्योंकि तय वक्त में यूक्रेन की सरकार ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की। रिहाई के बाद नादिया साफचेंको ने 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन उनका नामांकन पत्र रद्द हो गया, क्योंकि नादिया ना तो जमानत की रकम जमा करा पाई और ना ही उनकी पार्टी ने उनकी दावेदारी पर मोहर लगाई। गद्दार, ये वो शब्द है जो किसी भी रिश्ते का कत्ल कर सकता है। अगर देश के साथ गद्दारी का आरोप लगे तो मामला कितना गंभीर हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब से करीब 60 साल पहले चीन में ऐसा ही आरोप वहां के सबसे बड़े नेता पर लगा था, उस शख्स पर जिसे कम्युनिस्ट चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। फिर माओ ने ही अपने वारिस को गद्दार बताकर लावारिस मरने के लिए क्यों मजबूर किया। देखिए टेली सीरीज का एपिसोड कॉमरेड द रेड रेबल। July 23, 1959, लुशान, जियोजियांग, चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक चल रही थी। एजेंडा था माओ त्से तुंग का ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान, जो एक साल पहले लागू हुआ था। चीन में औद्योगिक क्रांति का यह प्लान फेल हो चुका था, लेकिन चीन के सुप्रीम लीडर माओ त्से तुंग ये सच्चाई सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग में अचानक माओ त्से तुंग ने एक चिट्ठी पढ़नी शुरू की। ये चिट्ठी उन्हें चीन के तत्कालीन रक्षा मंत्री पेंग डुहाई ने 10 दिन पहले लिखी थी। पेंग डुहाई ने माओ त्से तुंग को समझाया था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम पर उनके सामने अनाज उत्पादन के झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। पेंग डुहाई का आरोप था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम पर चीन में कम्यून मिलिशिया बनाई जा रही है, जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कमजोर बना सकती है। रक्षा मंत्री पेंग डुहाई की चिट्ठी सुनाकर माओ ने पार्टी के आला नेताओं की राय मांगी, तो सबने एक सुर में पेंग डुहाई को गलत ठहराया। पेंग डुहाई को लताड़ने वालों में सबसे आगे थे डेंग शियाओपिंग। और उस वक्त चीन में माओ के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता लियू शाओची। चीन में इस चिट्ठी कांड के बाद माओ त्से तुंग ने दो फैसले किए। उन्होंने पेंग डुहाई को रक्षा मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, उनकी मार्शल की वर्दी तक उतार ली गई, और इनाम के तौर पर लियू शाओची को माओ त्से तुंग ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साल 1961, बीजिंग, चीन। माओ त्से तुंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रोजमर्रा की हलचल से खुद को दूर कर लिया। लियू शाओची अब चीन के राष्ट्रपति भी थे और सर्वोच्च नेता भी। उन्होंने मान लिया कि माओ का दौर अब खत्म हो चुका है। इसी गलत फहमी में लियू शाओची से एक गलती हो गई। उन्होंने माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान को बदलना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति शाओची ने यह भी खुलेआम कहा कि चीन में भूख से करोड़ों लोगों की मौत भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से हुई। लियू शाओची की यह बात माओ त्से तुंग को नागवार गुजरी। साल 1962 में माओ त्से तुंग ने एक बार फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभाली, तो उन्होंने सबसे पहले लियू शाओची की ही नकेल कसनी शुरू की। माओ त्से तुंग के दबाव में लियू शाओची को ना चाहते हुए भी माओ की नीतियों को लागू करना पड़ा। अगले 6 साल तक यही खेल चलता रहा। नीतियां माओ बना रहे थे, लेकिन उनकी नाकामी का ठीकरा फूटता था लियू शाओची के सिर। 16 मई 1966, बीजिंग, चीन। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की घटती लोकप्रियता को संभालने के लिए माओ त्से तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति का ऐलान कर दिया। इस क्रांति के नाम पर चीन के बड़े नेताओं और अमीरों को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा था। उन्हें साम्राज्यवादी,
पूंजीवादी और चीन का गद्दार बताकर मौत के घाट उतारा जा रहा था। चीन के सामान्य कम्युनिस्ट खुश थे क्योंकि उन्हें माओ ने समझा दिया था कि कम्युनिस्ट क्रांति को नाकाम बनाने वालों को सजा दी जा रही है। चीन में बहुत से लोगों को मालूम था कि लियू शाओची ने चीन से गद्दारी नहीं की, बल्कि उन्हें माओ से तुंग से मतभेद की सजा मिली। हालांकि माओ के जिंदा रहते किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो लियू शाओची की तरफदारी कर सके। लियू शाओची ने गद्दारी के दाग के साथ ही अंतिम सांसें ली। साल 1980 में चीन में डेंग शियाओपिंग जब सत्ता में आए, तब उन्होंने माना कि लियू शाओची गद्दार नहीं थे। गद्दार तो माओ की वो चौकड़ी थी जिसने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लियू शाओची जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी और इज्जत सब कुछ खत्म कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बना क्योंकि उसके पास परमाणु बम था। परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक को अमेरिका के लोगों ने सिर माथे पर बिठा लिया। उन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम कहा जाने लगा। लेकिन सिर्फ 8 साल बाद अमेरिका की संसद ने उसी परमाणु वैज्ञानिक की वफादारी पर सवाल उठा दिए। आखिर उस परमाणु वैज्ञानिक का गुनाह क्या था? क्यों अमेरिका की परमाणु प्रयोगशालाओं में उसकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई? देखिए हमारा ये एपिसोड ओपनहाइमर, द टर्नकोट ट्रेजेडी। एक जून 1945, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी सरेंडर कर चुका था, लेकिन जापान का रूस, चीन और कोरिया पर कहर जारी था। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी जापान से बदला लेने के लिए मचल रहा था। उस दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने जापान को आखिरी चेतावनी दी। अमेरिका ने जिस हथियार के दम पर जापान को ये चेतावनी दी थी, उसके बारे में तब तक किसी को भनक नहीं थी। उस हथियार का परीक्षण भी 1.5 महीने बाद हुआ। सोलह जुलाई 1945, अलेमोगोर्डो, न्यू मेक्सिको, अमेरिका। दुनिया का यह पहला परमाणु परीक्षण था जिसकी कमान संभाल रहे थे डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। इस परमाणु परीक्षण को ट्रिनिटी टेस्ट नाम भी ओपनहाइमर ने ही दिया था। ट्रिनिटी टेस्ट के 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान। जापान का हिरोशिमा शहर एक धमाके में भस्म हो गया। यह दुनिया का पहला परमाणु हमला था। 3 दिन बाद नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया। यह दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर अंतिम प्रहार था। जापान की सेना ने घुटने टेक दिए। दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार अब अमेरिका के हाथों में था। ओपनहाइमर अमेरिका के लोगों की नजर में महानायक बन चुके थे, इतिहास पुरुष, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन अपने बनाए विनाश के इस हथियार की शक्ति देखकर ओपनहाइमर का दिल दहल उठा था। Now I am become death. चार साल बाद सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम टेस्ट किया। अमेरिका को इसकी भनक तो थी, लेकिन इतनी जल्दी सोवियत संघ परमाणु बम बना सकता है इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। अमेरिका को शक था कि सोवियत संघ को परमाणु तकनीक अमेरिका के ही किसी वैज्ञानिक ने दी है। शक की सुई ओपनहाइमर की ओर घूमी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक होने के नाते 1941 से ही FBI के रडार पर थे। 7 नवंबर 1953, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और संसदीय कमेटी इस बात की जांच में जुटी थीं
कि अमेरिका की परमाणु प्रयोगशालाओं में ओपेनहाइमर की आवाजाही जारी रखी जाए या नहीं। इसी सुनवाई के दौरान अमेरिकी संसद में परमाणु ऊर्जा मामलों की संयुक्त समिति के कार्यकारी निदेशक विलियम लिस्कन बॉर्डन ने जांच अधिकारियों को एक चिट्ठी में लिखा कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मिस्टर ओपेनहाइमर सोवियत संघ के एजेंट हैं। इस मामले के चश्मदीद रहे अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने कई दशक बाद बताया कि ओपेनहाइमर के साथ ऐसा सलूक होगा, ये परमाणु बम परीक्षण से पहले ही तय हो चुका था। ओपेनहाइमर की जिंदगी के आखिरी 10 साल बहुत बुरे बीते, उन पर कोई केस नहीं दर्ज हुआ, लेकिन अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में उनके लेक्चर आखिरी मौकों पर रद्द कर दिए गए। ओपेनहाइमर 1955 से 1965 तक दुनिया को परमाणु हथियारों की होड़ से आगाह करते रहे। इसी दौरान उन्हें गले का कैंसर हुआ और 18 फरवरी 1967 को उनकी मौत हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में गद्दार घोषित करके सिर्फ 2 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। उनमें एक ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री का बेटा भी था। ब्रिटेन से गद्दारी की वो सनसनीखेज कहानी क्या थी? क्यों मंत्री के बेटे की फांसी के बाद ब्रिटिश इंडिया के पूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन के दामाद पर देशद्रोह की तलवार लटक गई? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड पंचम तंत्र, द डिसेप्टिव डीड्स। दिसंबर 1945, वैंड्सवर्थ जेल, लंदन। पूरे ब्रिटेन की निगाहें लंदन की इस जेल पर थी। इस जेल में भारत और बर्मा के प्रभारी पूर्व विदेश मंत्री लियोपोल्ड एमरी का बेटा जॉन एमरी बंद था। उस दिन 33 साल के जॉन एमरी को फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि वो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का गद्दार था। ब्रिटिश राज परिवार के वफादार का बेटा और ब्रिटेन का गद्दार, ये बात विरोधाभासी थी लेकिन सच थी। जॉन एमरी को कम्युनिस्टों से नफरत थी और इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की मदद करने में जुट गया। उसने अपने जैसे फासीवादियों की एक फौज भी बना ली जिसका नाम था ब्रिटिश फ्री कोर। जॉन एमरी की फांसी के बाद सवाल था कि अब ब्रिटेन के बाकी फासीवादियों का क्या होगा। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही ब्रिटेन में फासीवादी ताकतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था, जिनमें सबसे बड़ा नाम था सर ओसवाल्ड मोसली का। सर ओसवाल्ड मोसली ब्रिटेन के रसूखदार सामंती परिवार के वारिस, जो पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन के हीरो के तौर पर उभरे थे। ब्रिटिश इंडिया के पूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ओसवाल्ड मोसली को अपना दामाद बना लिया था। साल 1918 में ओसवाल्ड मोसली सिर्फ 21 साल की उम्र में ब्रिटेन के सांसद बन गए। वर्ष 1931, हैरो, इंग्लैंड, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में ओसवाल्ड मोसली फिर हैरो सीट से मैदान में थे। 1929 की वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन की आर्थिक हालत खराब थी। बेरोजगारी को ओसवाल्ड ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए और यहीं से शुरू हुआ ओसवाल्ड के नायक से खलनायक बनने का सफर। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी से अपनी सियासत शुरू करने वाले ओसवाल्ड मोसली निर्दलीय और लेबर पार्टी की राजनीति करके देख चुके थे। चुनाव हारने के बाद उन्होंने ब्रिटेन में इटली का मुसोलिनी मॉडल लागू करने का प्लान बनाया। उन्होंने फासीवादी ताकतों को एकजुट करने के लिए ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट बना लिया।